चलिए आगे जो हमें पढ़ना है, जो कई बार हमने यूज किया, क्या यूज किया? व्युत्क्रम संबंध। कौन अनुपात किसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको पता है सर, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है बताइए? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? एक थीटा। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर टैन थीटा, तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है? ठीक है। तो इसको याद कैसे किया था हमने? एक ट्रिक, ट्रिक तो कुछ नहीं है, सिंपल आपको याद रखना, टी टी यहाँ पर रहेगा, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सी है यहाँ, सी एस, ठीक है, और यहाँ भी एस है, यहाँ सी है, एस सी सी एस, कुछ इस तरीके से याद रखना, साइन कॉसेक, कॉसेक टैन कॉट। तो इसको यूज किस तरीके से करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन कैसे आता है? इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं साइन और कॉसेक दोनों ही पूछ रहा हूँ, आप बहुत जल्दी से आपको बोल रहा है सर ए के लिए बोल रहा है, दोनों जगह ए है, तो ए को आप थीटा बोलिएगा, थीटा के सामने वाले को पी बोल दोगे, 90 डिग्री के सामने वाले को एच और नीचे वाले को बी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा लिखिए, कितना है? 4/5। 4/5 आपको होगा सर, यहाँ पर पी बटा एच होगा, ठीक है, पी बटा एच कहने का मतलब 4/5 होगा, ठीक है। और मैं बोलूँ अब यहाँ पर से कॉसेक थीटा लिख कर बताइए, 5/4। कॉसेक थीटा कितना होगा? हमें पता है सर एच बटा पी होगा, और एच बटा पी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एच है आपका 5 सेंटीमीटर और पी है आपका 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 5/4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिख रहा है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल, वो तो पता ही था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई भी दो रेसिप्रोकल नंबर को अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? अगर मैं कहता हूँ 2/3 को 3/2 से गुना करिए, क्या आएगा बोलिए? एक, एक आएगा, ये 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, एक आएगा, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हो सर 4/5 और मैं 5/4 को गुना करूं, ठीक है, छोड़ो इसको ऐसे मत लिखो, सिंपल आप ऐसे लिखो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करोगे तो आपको पता होना चाहिए किसी भी दो व्युत्क्रम संख्याओं को गुना करने पर एक आता है, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करने पर हमेशा एक आएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों का जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा है और यहाँ पर जो थीटा है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है, ए बी नहीं होना चाहिए, दोनों जगह ए होना चाहिए, दोनों जगह बी होना चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा। यहां से आप दो रिलेशन और लिख सकते हो, अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूं तो ये कॉसेक थीटा को आप नीचे कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 1/cosec थीटा, लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा आ जाएगा 1/cosec थीटा, ठीक है। और अगर मैं यहां से कॉसेक थीटा लिखना चाहूं, अगर आप यहां से कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखना चाहिएगा, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा, ठीक है, ये दूसरा रिलेशन आ गया आपका, ठीक है। ये कैसे लिख रहे हैं, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना एक्स वाई बराबर 1, तो आप यहां से एक्स का वैल्यू लिखते हो ना 1/y, ये वाई को नीचे कर देते हो, ठीक है, तो बस वही चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होगा, 1। तो मेन आपको याद क्या रखना है, 2-3 चीज याद रखना है। पहला कि सर साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर गुना करेंगे तो आपका 1 आएगा, ठीक। अगर कभी लिखा रहे 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा को आप कॉसेक थीटा लिख दीजिएगा, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 होगा। कभी लिख देगा 1/cosec थीटा, तो 1/cosec थीटा को आप साइन थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है, एक दूसरे का व्युत्क्रम। अगर मैं कभी पूछता हूँ, चलो ऐसा क्वेश्चन लिख दिया आपसे, ये तो पढ़ाई दिया, अगर साइन ए बराबर 7/13 है, आपसे बोल रहा है कि साइन ए का जो वैल्यू है वो 7/13 है, आप मुझे बताइए कॉसेक ए का वैल्यू कितना होगा? 13/7 उल्टा कर देना है, सिंपल आप ऐसे करोगे सर ये क्या हमारा पी बटा एच है, ठीक है, तो पी का वैल्यू आपका कितना 7, h का वैल्यू कितना आपका 13, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा h/p, ठीक है, तो h/p कितना आ जाएगा 13/7, उल्टा कर देना है, ठीक है, ओके, समझ में आया। अगर मैं कभी लिखता हूं cosec थीटा इज इक्वल टू 7/3, मुझे बताइए sin थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/7, तो आपको पता है इन दोनों को एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ध्यान दीजिएगा व्युत्क्रम है, तो इसको लिख दोगे 3/7, बस एक सेकंड में आपका आंसर रेडी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए, अगर बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी में
कॉसे के का वैल्यू 5/2 है, तो साइने इंटू कॉसे के का वैल्यू कितना होगा? साइने इंटू कॉसे के वन। देखो ये कॉसे के का वैल्यू 5/2 रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है, वो दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, चलो मैं देर लिख दे रहा हूं कि कॉसे के कितना है आपका 5/2। मैं पूछ रहा हूँ साइने कितना होगा? 2/5 हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दिया। अब आपसे बोल रहा है साइन ए इंटू कॉसे के बताइए, ठीक है, तो आपको सर साइन ए का वैल्यू अभी निकाला 2/5, कॉसे का वैल्यू 5/2, इसको आप कैंसिल करिएगा, 2 से 2 कटा, 5 से 5 कटा, सारा कट गया, तो 1 बचेगा हमारा, ठीक है। ये नहीं भी यूज करते आप, मैं सीधे आपसे ऐसे ही पूछ लेता कि इसको यूज नहीं भी करना है, तो साइन ए होता है P/H, कॉसेक होता है H/P, तो 1 तो आएगा ही, P से P कटेगा, H से H कटेगा, तो 1 तो आएगा ही, ठीक है, 1 आना ही है उसको। अगला रिलेशन, अगर मैं कॉसे और सेके आपसे पूछूं, यहां पर आपसे बोल रहा हूं कि कॉस ए बताइए और सेके बताइए, कॉसे बताओ कितना होगा, इसको मैं थीटा बोल रहा हूं, कॉसे और सेके बातें नहीं होनी चाहिए चैट सेक्शन में, तो यहां पर थीटा है, थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, थीटा के नीचे यहाँ पर जो है वो बी बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोल देंगे, ठीक है, तो ये आ गया हमारा PBH। कॉस ए कितना आ जाएगा, कॉस ए आपका B/H, 3/5। देखो मैं क्लास से ना कुछ बच्चों को अब रिमूव ही कर दूंगा एंड इवन ब्लॉक कर दिए जाओगे। 5/3। काजल के नाम से एक बच्चे हैं, एक बच्चे है मंजीत, चैट में बातें कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, क्लास में आप आए हो पढ़ने के लिए, बातें करने के लिए नहीं आए, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू कितना होगा, कॉस ए यानी कॉस थीटा होता है आपका B/H, आधार बटा कर्ण, तो बी कितना है आपका, बी है आपका 3 और एच कितना है आपका 5, 3/5 लिख दिया। सेक ए कितना होगा, सेक ए हो जाएगा आपका H/B कितना हो जाएगा 5/3। अब मैं अगर लिखूं कॉस ए और सेक ए को गुना करके कितना आएगा, आपको पता है रेसिप्रोकल है सर, 1 आ जाएगा, सर 3/5 और 5/3 गुना होगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 1 आ गया, ठीक है। तो यहां से हमें क्या क्या नोट करना है, नोट करिए, पहला चीज सर कॉस ए और सेक ए को गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। सेकंड, अगर कभी ऐसा लिखा रहे कॉस ए, तो कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, सेक ए को नीचे ले जाइए, तो 1/sec a आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड, अगर मुझे sec a लिखना होगा, तो sec a अगर लिखना है तो क्या करेंगे, इस cos a को नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/cos, ठीक है। तो पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन, क्लियर। तो ये 3 रिलेशन आपको ध्यान रखना है, cos a into sec a 1 होगा, cos a बराबर 1/sec a होगा, sec a बराबर 1/cos a होगा। यह क्वेश्चन, कॉस ए अगर 12/13 है तो सेक ए का वैल्यू बताइए, कॉस ए अगर 12/25 है, सॉरी 12/25, इसका उल्टा कर देंगे, आपको पता है कॉस और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ये हो जाएगा आपका B/H, तो आप इसका बोलोगे सर ये H/B करेंगे, उल्टा कर देंगे सर, 25 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है, उल्टा ही तो करना है इसमें, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 cos a into sec a का वैल्यू कितना होगा, 4 cos a into sec a का वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा क्या, यत्र 4 हमेशा आंसर 1 नहीं होता, देखो आप लोग रट लेते हो ना, ये दिक्कत, 4 होगा, 4 cos a into sec a ऐसा लिखा हुआ है ना,
तो यहां पर आपको पता है सर कॉस ए इंटू से को इन दोनों को गुना करने पर कितना मिलता है, वन मिलेगा। ये चार भी तो है, चार गुना ये वाला चीज है आपका वन, तो वन चार गुना एक आपका चार आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फोर कॉस ए इंटू से के आपका फोर आएगा। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए, पोल करवा दूंगा। ठीक है, टैन ए और कॉट आर का वैल्यू बताइए यहाँ पर, अगर मैं आर के लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आर को आप थीटा फिक्स कीजिए, यहाँ पर आप थीटा करोगे, थीटा के सामने आप पी लिखोगे, थीटा के पास यहाँ पर बी आ जाएगा, 90 डिग्री के सामने एच आ जाएगा, टैन आर बताइए कितना होता है। लंब बटा आधार, ठीक है, तो पी बटा बी होगा, पी बटा बी लिखेंगे तो आ जाएगा सर 12 बटा 13। ठीक है, गलती है, ठीक है, रुक जाओ, एक सेकंड, ये गलत है, ये दो भुजा एक साइड जैसा आ गया, इसमें थोड़ा मैं सही, अब सही करो इसको। ठीक है, ये नीचे में पांच कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, तो 12 बटा 5 आ जाएगा, 12 बाई 5 आ गया, वो गलत लिखा हुआ था कि दो भुजा 13 13 था ना, गलत हो जाएगा, 5/12 पी बटा बी होगा ना, 12 बटा 5 हुआ टैन आर। अब कॉट आर लिखते हैं, 5/12 आर कितना होगा, कॉट आर सर बी बटा पी होगा, और बी बटा पी आ जाएगा सर 5/12। ठीक है, बी आपका 5 है, यहाँ पर आपका बी है, तो 5/12 आ गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है सर, टैन आर और कॉट आर को अगर मैं गुना करूँ, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, तो 12/5 गुना होगा 5/12। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या आएगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, माइक बंद कर दूं क्या, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 से 5 कटेगा आपका, ये 12 से 12 कटेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। समीर आप ये क्या लिखे हो चैट सेक्शन में, क्लास में ना थोड़ी तमीज मेंटेन किया कीजिए, आपको ब्लॉक किया जा रहा है, ज्वाइन नहीं कर पाओगे अभी क्लास, कुछ भी चैट सेक्शन में लिखना है, 5 से 5 कटा, 12 से 12 कटा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो टैन आर इंटू कॉट आर आपका 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा था दो रेसिप्रोकल थे, टैन और कॉट एक दूसरे का, दोनों को गुना करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम रिलेशन क्या क्या लिख सकते हैं, पहला रिलेशन लिख सकते हैं टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, टैन आर होता था पी बटा बी और वो होता था बी बटा पी, तो टैन इंटू कॉट अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो एक सेकंड रुक जाओ, लेफ्ट ही कर दिया ना। ठीक है, टैन आर इंटू कॉट आर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब टैन और कॉट को गुना करने पर 1 आएगा, तो यहां से मुझे बताइए अगर मैं लिखना चाहूं टैन आर तो क्या लिख सकते हैं, इस कॉट को मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये बनेगा 1/cot r। ठीक है, 1/cot r, और थर्ड रिलेशन अगर मैं कॉट आर लिखना चाहता हूँ तो कॉट आर कितना आएगा, 1/tan r। ठीक है, तो कॉट आर लिखना है तो 1/tan r लिखिए, टैन आर लिखना 1/cot r लिखिए। तो ये तीन रिलेशन आपको याद रखना है, सिंपली आर के जगह थीटा लिख दीजिएगा। ठीक है, थीटा लिखिए, ए लिखिए, किसी भी फॉर्म में याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन आपसे अगर पूछता हूँ एक सिंपल सा कि टैन थीटा आपको दे दिया कि 5/3, आपसे पूछता हूँ कॉट थीटा कितना होगा, बताइए क्या होगा, 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/5। अगर मैं लिखता हूँ कॉट थीटा, क्वेश्चन होगा शायद, टैन है 7/15, तो कॉट है कितना आएगा, 15/7, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे, टैन ए आपका दे दिया 7/15, तो कॉट ए आ जाएगा आपका 15/7। देखो हमेशा रेसिप्रोकल नहीं करते हैं, हाँ अगर तो हम रिलेशन क्या क्या याद किया हमने, ये ध्यान रखना है आपको कि रेसिप्रोकल कौन कौन सा था, साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये दोनों रेसिप्रोकल है तो इन दोनों को गुना करने पर 1 आएगा। सेकंड,
कॉस ए इंटू सेक ए, इन दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे का गुना करने पर वन आएगा। तीसरा टैन ए और कॉट ए, इन दोनों को गुना करने पर आपका वन आएगा। तो ये तीन रिलेशन आप याद रखेगा, इससे आपको याद रहेगा कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। एक सेकंड शायद अभी ना थोड़ी देर के लिए स्क्रीन आपकी रुक जाएगी, कुछ तो यहां पर गड़बड़ है, एक सेकंड वेट करो। चलो तो यहां पर फिर से दिखेगा स्क्रीन, बताइए। अभी स्क्रीन दिखा क्या? चलो तो आपका अभी चैट बंद रहेगा। पोल आपको ऑन कर। क्वेश्चन नंबर 8, साई ने 2/5 दे रखा है आपसे, कौसे के का वैल्यू पूछ रहा है, बोल रहा है साई ने आपको दे दिया है 2/5, आपसे बोल रहा है कौसेक ए का वैल्यू बताइए। अब ये तो एक सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें तो गलती होना ही नहीं चाहिए। साइन थीटा दे रखा है 2/5, कॉसेक थीटा का वैल्यू बताइए। लास्ट 15 सेकंड में एंड करेंगे, कुछ इसमें सॉल्व ही नहीं करना है, बस आपको रेसिप्रोकल रिलेशन देखना है, आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड्स, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आपको 5 सेकंड में आंसर करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, 5 सेकंड, 5, 4, 1 टाइम चाहिए क्या इसमें? टाइम चाहिए तो 10 सेकंड और रुक रहे हैं। फाइव सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1 पोल आपका अभी एंड किया गया है और चैट ऑन है। सिंपली आप क्या बोलोगे इसमें, क्या ही था? आप देखिए साइन ए आपको दे दिया, फिगर वगैरह बनाने कोई नीड नहीं है। साइन ए आपका कितना है 2/5, आपको सर ये क्या है पी बटा एच है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब पी का वैल्यू आपका क्या आ गया, पी का वैल्यू 2 आ गया, पी का वैल्यू आपका 2 है, एच का वैल्यू कितना है आपका 5 है, तो एच का वैल्यू आपका 5 आ गया। ठीक है, तो आप कहोगे सर कॉस ए के का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच बटा पी। ठीक है, तो सिंपली कहोगे सर 5/2, इतना करने का भी नीड नहीं था ये, तो ठीक है मैंने आपको इस तरीके से बताया। ठीक है, आप ऐसा ही बोल सकते हो सर कॉसेक ए और साइन ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक कितना होगा साइन ए का उल्टा, ये ऊपर करिए 5 ऊपर 2 नीचे, 5/2 आंसर। ठीक है, इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से, कॉसेक का वैल्यू बताइए अगर सेक ए 17/8 है। ठीक है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकंड रुक जाओ, पोल ऑन कर रहा हूं, वेट करो। चलो आपको पोल दिख जाएगा अभी। सेक ए दे दिया मतलब सेक थीटा दे दिया आपको कितना 17/8, पूछ क्या रहा है कॉस ए बता दीजिए। तो क्या कॉस और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है?
30 सेकंड और, फिफ्टीन सेकंड और, लास्ट टेन, चलो 5 सेकंड में इसको एंड कर रहा हूं, 5 4 3 2 1 एंड करें। चैट आपका ऑन है। क्या बोला गया है, सेक ए का वैल्यू देकर कॉस ए पूछ रहे हैं आपको। सेक और कॉस पता है एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, व्युत्क्रम है। तो आप अगर सेक ए दे दिया है 17/8, ये होता है एच बाई बी, और कॉस ए होता है बी बाई एच, मतलब व्युत्क्रम होता है, उसका उल्टा कर दीजिए, 8 ऊपर चला जाएगा 17 नीचे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये गलत गलत गलत, ठीक है। तो ये तो एक एक सेकंड का क्वेश्चन है और एक नंबर में आ जाएगा ये आपके एग्जाम में, तो बोनस ही है एक तरीके का। अगला क्वेश्चन करिए, कॉट ए का वैल्यू बताइएगा, टैन ए का वैल्यू 12/5 है। कॉट ए का वैल्यू बताइए अगर टैन ए का वैल्यू 12/5 है। बस पोल ऑन हो रहा है, एक सेकंड। चलिए अभी पोल ऑन है। चलो काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, अभी तक किसी का आंसर गलत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन। दे दिया है आपको tan थीटा या tan a इक्वल टू 12/5, आपसे पूछ रहा है cot a बता दो मुझे। 10 सेकंड और रुकेंगे, ओनली 10 सेकंड, क्योंकि बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन है, जाकर वोट कर दीजिए अगर नहीं की हो तो। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा कम आंसर क्यों आया है, इसमें थोड़ा कम आंसर क्यों है तो सेम ही चीज। अगर आपने वो सारे क्वेश्चन किए हैं तो इसको भी सेम ही तरीके से करिए। लास्ट 5 सेकंड और रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। सिंपल वही चीज है, टैन ए का वैल्यू 12/5 दिया हुआ है, मतलब आप कहोगे सर बी बटा बी दे रखा है, और कॉट ए कितना होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा होता है, मतलब बी बटा पी हो जाता है, ठीक है। तो टैन अगर पी बटा बी है तो कॉट ए बी बटा पी हो जाएगा, और कॉट ए का वैल्यू कितना आएगा, ये टैन का रेसिप्रोकल, ये 5 नीचे में है तो ऊपर कर दीजिए, ये 12 ऊपर में है इसको नीचे कर दीजिए, 5/12। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। कॉट ए है यहाँ पर, कॉस नहीं, ठीक है, कॉट ए। इसके अलावा अगर मान लो यहाँ पर, तो ठीक है टैन ए देकर कॉट पूछा तो हमने निकाल दिया, अगर इसके अलावा कुछ और पूछता हमसे, साइन ने पूछ लेता, सेक ए पूछता, तो उसको कैसे करेंगे अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अभी बस रेसिप्रोकल वाला सीखा था, ठीक है। इसमें कोई डाउट है आज के क्लास में तो मुझे बताइए। इसके आगे अगर कोई एक रेशियो देकर दूसरा रेशियो हमसे पूछे तो कैसे निकालेंगे, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मान लो साइन ए देकर आपसे